हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिस आइडिया से आप अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत सा बना सकते हो। तो अभी आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने बालकनी को एकदम से हरा भरा रखते हो ना, वैसे ही आप अपने घर को भी हरा भरा रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका घर भी काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा, एकदम ग्रीनरी वाला लुक आ जाएगा अपने घर को, और घर में जो हवा होती है वो भी फ्रेश हो जाएगी और आपका घर भी पॉजिटिव रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक मनी प्लांट लाना है। तो मनी प्लांट जो है वो किसी भी नर्सरी में मिल जाता है, तो आपको बस एक ही मनी प्लांट लाना है। मनी प्लांट आपको पता होगा कि शुभ माना जाता है, एक लकी प्लांट है, और इस प्लांट की वजह से घर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाती है। तो आपको बस एक मनी प्लांट लाना है और उसी मनी प्लांट से कई सारे आप कटिंग्स कहीं पर भी लगा सकते हो। और ये जो मनी प्लांट होता है वो इंडोर होता है, आप आउटडोर भी रख सकते हो, बट ज़्यादा धूप में उसको नहीं रखना होता है। इसके वजह से अगर आप इंडोर रखोगे तो ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से रह जाता है। इसके लिए कोई भी आपको ज़्यादा कुछ उसकी केयर लेनी नहीं पड़ती है, कभी भी आप कहीं पर भी लगा सकते हो, पानी में भी लगा सकते हो या फिर मिट्टी में भी लगा सकते हो। तो इसी मनी प्लांट से आप अपने घर को सजा सकते हो। आप इसके कटिंग्स कहीं पर भी किसी भी बॉटल में वगैरह आप रख सकोगे तो भी चलता है। जो बॉटल्स होती है उसका भी यूज़ हो जाएगा, जैसे कि आपके अगर घर में कहीं ऐसी बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई होती है, या फिर आपके घर में अगर कांच की बॉटल है तो भी चलेगी। तो बस इन बॉटल्स को हमें पेंट करना है और इसके अंदर पानी डालना है, और उसके बाद बस उसको जो कटिंग है मनी प्लांट की वो लगानी होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से मनी प्लांट से अपने घर को सजाया है। तो गाइस, ये जो है वो मेरा फर्स्ट मनी प्लांट है और इसके मैंने ना कई सारे कटिंग्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने कट कर दिया था, यहाँ पे भी कट कर दिया है, इस साइड पे भी मैंने कट कर दिया है। तो ये दिखेगा, ये नए इसके पत्ते यहाँ पे निकल चुके हैं, इस साइड पे भी दिखेगा ये नए पत्ते निकल चुके हैं। और ये जो मनी प्लांट है वो मैंने किचन में ही रख दिया है, और अभी मैं आप लोगों को दिखा देंगी कि इसके कटिंग्स मैंने कहाँ कहाँ पर लगाए हैं। तो गाइज, इसका फर्स्ट कटिंग ये वाला है और ये मैंने इसके बॉटल में इसको रख दिया है। ये कांच की बॉटल है और इसके ऊपर मैंने बस एक्रेलिक कलर से इस तरह से डिज़ाइन कर दी है, और ये बहुत ही इजी तरीके की डिज़ाइन है। तो आप इस तरह से किसी भी बॉटल में, कांच के बॉटल में या फिर प्लास्टिक के बॉटल में इसको रख सकते हो। तो ये वाला पहला कटिंग है, और इसको भी देखो, इसके भी मैंने कटिंग्स कई सारे निकाले हैं। आई थिंक मैंने इसके 2-3 बार इसको कट कर दिया है। तो ये देखिएगा, ये नए पत्ते भी यहाँ से फिर से निकल रहे हैं। और अभी मैं दूसरा वाला एक कटिंग आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये भी एक कटिंग है जो मैंने फर्स्ट अभी दिखाया ना, उसी का ही ये वाला कटिंग है। ये मैंने अभी लगाया है इस बॉटल में, तो ये इस तरह से है। और एक कटिंग है जो कि मैंने यहाँ पे बाहर लगाया हुआ है, ये वाला, और ये भी देखिएगा कितना सारा बड़ा हो चुका है। ये थोड़ा सा ये पत्ता ख़राब हो चुका है, इसका रीज़न मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट बाकी इसके पत्ते बहुत ही अच्छे तरीके के हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाहर मैंने धूप में रख दिया है, इसके वजह से ये थोड़े से देखिएगा पत्ते जो है वो थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो इसके वजह से मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि मनी प्लांट को ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए। तो ये एक्चुअली मुझे ये गिफ्ट देना था किसी और को, इसकी वजह से मैंने इसको यहीं पर रख दिया था। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है। उसके बाद इधर और एक ये वाला कटिंग है, ये एक्चुअली मेरे जो कैट है ना, उसको थोड़ा सा इसने एक इन पत्तों को ख़राब कर दिया था, उसके साथ वो खेल रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसको इग्नोर करो। बट ये भी एक कटिंग है जो मैंने इस तरह से इसे बॉटल में लगाया है। तो ये जो बॉटल है वो दवाई की बॉटल थी, इसको मैंने बस पेंट कर दिया है। और ये कटिंग आपको अभी इस तरह से दिखेगा, ये मैंने हैंग करके बस यहाँ पे मेरे किचन में ही लगाया है, जो मेरा बेसिन है यहीं पे मैंने लगाया है।
तो यहाँ पे और एक कटिंग है, ये मैंने मेरे किचन में ही लगाया हुआ है। और ये मैंने मेरे पास इस तरह की एक बॉटल थी, कांच की ही बॉटल है ये। और इस कांच के बॉटल में ही मैंने ये वाला एक मनी प्लांट यहाँ पे रख दिया है। और मुझे ना ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसके वजह से मैं ऐसे ही कट कट करते करते कटिंग्स इसके बस लगाती रहती हूँ बॉटल में। तो अभी अभी मैंने ये एक जो कटिंग है वो लगाया हुआ है यहाँ पे, ये भी मैंने हैंग करके ही लगाया हुआ है। ये एक दवाई की ही बोतल थी, इसको बस मैंने पेंट कर दिया है इस तरह से, और बस इसको इस तरह से हैंग कर दिया है यहाँ पे वॉल के ऊपर। और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कटिंग। तो इसी मनी प्लांट से आप अपने घर को अच्छे तरीके से सजा सकते हो। और घर में भी देखिएगा, प्लांट लगाने से ना घर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। तो ये भी एक मनी प्लांट मैंने इस ऐसी बॉटल में लगाया है। ये एक्चुअली घी की बॉटल थी, वो बहुत ही मुझे क्यूट सी लगती है और मुझे बहुत ही उसका शेप पसंद आ गया था। तो मैंने इसको इस तरह से ऐसे उसमें ही मनी प्लांट ये लगाया है। और इसको भी मैं कलर कर सकती थी बट मैंने नहीं कर दिया, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे ही सिंपल ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लगती है। सो गाइज, ये इस तरह से मैंने मनी प्लांट को रख दिया है, और मुझे इसको देख कर ना मेरा मन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, अभी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखो, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो। बाय बाय।